आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद गाजीपुर के तहसील जखनिया के हल्का इंद्रपुर छिड़ी में तैनात वर्तमान लेखपाल जनक कुमार यादव का ईवीएस बनवाने के लिए 500 रुपए की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक गरीब लड़के से पैसे की मांग कर रहे हैं और ना देने पर उसे धमकी भी दे रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि ग्राम सभा इंद्रपुर छिड़ी में पीड़ित परिवारों की बताया कि पैसा नहीं देने पर मारते पीटते हैं और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें जलील करते हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक पीड़ित परिवार के लोगों से 20,000 रुपया ले लिया था। इसके बावजूद भी उसके दुकान पर जाकर पैसे की मांग कर रहे थे। जब उसने पैसा देने से मना कर दिया तो उसके दुकान पर लेखपाल जनक कुमार यादव द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मारा पीटा जाता है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि लेखपाल जनक कुमार यादव को पैसा नहीं दिए तो उनके द्वारा हमें मारा पीटा गया, साथ ही साथ हमारे सर को दीवार में लड़ाकर हमको मारा गया और जाति सूचक शब्दों से हमें जलील किया जाता है। न्यूज 9 भारत के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। नाम है गोपाल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है? समस्या ये कि हम लोगों का पोखरी में मकान था और लेखपाल ने गिरा दिया आके, और गिराने के बाद हम एसडीएम साहब आए, बोले कि खाली कर दो, ये तो गिरेगा ही। तो हमने एसडीएम साहब का पैर पकड़ के, हम लोगों ने तीनों भाई ने कहा कि सर हम लोगों के पास बाप दादे की ज़मीन नहीं है और रहेंगे कहाँ हम लोग। तो एसडीएम साहब ने कहा कि चलो तुम लोगों के बारे में हम सोचेंगे। तो हम लोगों ने जखिनिया तहसील पर गए और जखिनिया तहसील पर गए तो हमने प्रस्ताव फार्म लिखा और फार्म पर एसडीएम साहब ने प्रस्ताव को पास कर दिया। और पास करने के बाद लेखपाल ने आया और नापा जमीन। नापने के बाद हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, पैसा तो है नहीं, रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं हम। तो बोला कि इतना लगेगा, हमको बोला ठीक है सर दे देंगे आपको इतना पैसा। कितना कितना मांगे थे? 20,000 मांगे थे। हमने 20,000 ऐसे तैसे करके कर्ज लेके दे दिया उनको। और कर्ज लेने के बाद फिर दुकान पे लेखपाल गए, बोला कि 10,000 और दो। हमने बोला सर कहाँ से दें, रोज हम काम करते हैं, परिवार भी तो चलाना है। तो वो नहीं माने और जबरदस्ती दुकान पे आए, मारने पीटने लगे, मारे। फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं कहा। फिर एक दो दिन बाद फिर आए, फिर धमकाने लगे हमको कि अगर पैसा दो नहीं तो तुम्हारा पट्टा खारिज करवा देंगे। तो हमने कहा सर अब जैसी आपकी मर्जी। तो मारे पीटे तो इसके संबंध में पुलिस को सूचना दिया? नहीं नहीं कुछ नहीं कहा, हम सर रोज कमाने खाने वाले। आपने जाके पुलिस को सूचना दिया कि लेखपाल साहब मारे हैं? नहीं नहीं कहीं हम नहीं गए, हम सोचे कि अब कमाने खाने वाले आदमी कहाँ हम जाएंगे। ये कागज जो लिए कैसा कागज है? ये तो कागज डीएम साहब के, हम लोग गए थे ना। अच्छा। कि वही पैसा बार बार धमका रहा है, लेखपाल मांग रहा है। क्या समस्या है आपकी? समस्या है ये कि हमारा खेती का कागज पत्र सदियों से चला आ रहा है, बाप दादा का नाम, और इस समय 3-4 साल से गड़बड़ हो गया नाम खतौनी कागज पे। तो उसको हम सही कराने के लिए यहाँ ही पर आए थे, लेखपाल साहब भी आए थे तो हम सुने तो आए, बोले उससे लेखपाल साहब से, तो बोले कि पैसा का इंतजाम करो, 5,000 रुपये कागज़ सही कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो हम बोले कि 500 रुपये है हमारे पास, ले लीजिए और ठीक कर दीजिए इसको। तो बोले कि हमको भिखारी समझ रहे हो? हाँ भिखारी नज़र आ रहे हैं हम, बस उसी पे हम मना कर दिए कि आपको हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, भिखारी उखारी। तो बोल रहे हैं कि मादर चोद हमको सिखा रहा है, तू सिखाएगा भाषा बोलने को, सिखा रहा है तू, तरीका बता रहा है। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर उसके बाद वही हमको थप्पड़ उप्पड़ चलाने लगे, मना किए तब भी नहीं माने, और यहाँ पे लग गया दीवार पे, गर्दन पकड़ कर रगड़ दिए थे। इस संबंध में पुलिस को सूचना दिया? दिए थे तो गए थे वहाँ थाने पे। कोई कार्रवाई हुई? वहाँ के जिले के हमारे दरोगा साहब नहीं रहते थे उस टाइम, हम पहुँचे थे। तो कोई कार्रवाई अब तक हुई पुलिस ने किया? अभी नहीं। गाली वाली भी दिया था? गाली, मादर चोद, बहन चोद, चमार सियार सब बनाए थे जाति सूचक शब्दों से। मतलब क्या क्या गाली दिए? मादर चोद बोले थे, बहन चोद, बसड़ी वाले, और मारने लगे। और कुछ बोले थे? और जात का भी नाम लिए थे? क्या नाम सब बनाए? अपना नाम बता जी। उर्मिला। कहाँ का रहने वाला है? छिड़ी चौरा। का समस्या? पूरी बात बताइए अपन। समस्या तो यह है कि
हमान का घर द्वार गढ़ई में ना रहा। नगपाल साहब आके हमान के इतना परेशान कर देना है तो उनके पैसा मन कर 2000 रुपया दे दे ली जा मान जाइए फिर आके परेशान करे लगाना कि तसली पतेली अपन राशन पानी बाहर निकाल लो हम घर गिरा दियो। हम घर गिरा दे आ नहीं तो जुलबाना ठोक दे तो हम उनकर बहु हाथ गोड़नी रो देहनी लड़का हमार भी रो देहल कलक कि साहेब हमन के कहीं रह कर ठेकान ना ऐसा मत करा तो कहते कि नहीं जहाँ ले गढ़ तहाँ ले तो हम लेबे करब तब कल कि ठीक है ले ला तो आए के जब यहाँ नापा लगाना तो हमारे बारन कैली कि 2000 रुपया दे लिया फिर तो के का चाहत बा अबो से तनी मान जा तो कहना कि हम ना माना से यहाँ गढ़ई आवत है हम ले तो हम कल कि ठीक है हमके कहीं रह के जगह दे दा हमारे न खेत बान हमारे बारी बा मजदूर आदमी आई मजदूरी करके जुटाई तब तो के दे अपने खेले के हम खुद परेशान है तो हमके ओतनी घर द्वार कहीं बना के दे दा हम निकल के चल जाए तू हमार घर तोड़ के ले ला। का नाम हर लेखपाल का? उनका नाम जनक। जनक यादव। तो ये गढ़ई में आप लोग का मकान है कि गढ़ई से बाहर है? गढ़ई से बाहर है। अच्छा कितना कितना दिन से काबिज बनी आप लोग? हमारा सास ससुर मर गई ला ओनहू का सास ससुर मर गई ना तीसरी रिकान पर हम मतलब कुल धीरे धीरे 100 साल हो गए। हाँ साहब लोग सब मर गए ये मन का पछाड़ी पछाड़ी है तीसरी पीढ़ी है तीसरी पीढ़ी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।